नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केआरपी। थे देख रहे हो केआरपी राजस्थान। दर्शकों, मैं राजस्थान का धार्मिक स्थलों की यात्रा है जो कि लगातार जारी है, और आज हमारी धार्मिक यात्रा पहुंची है ओसिया के सच्चाई माता मंदिर के अंदर है। और आठ को नज़ारों आप लोगों ने दिखाओ, पीछे को विजुअल है, देखो आप देख पा रहे हो, शानदार विजुअल है और सुंदर तरीके का मंदिर है जो बनायेडो है। और इस साइड भी काफ़ी लंबी चौड़ी गैलरी आप देखने मिल रही है, दो गैलरी बनाई है। इस साइड मंदिर का प्रवेश द्वार है, मंदिर के अंदर आप एंटर करा तो पीछे को नजरों कैमरामैन आप लोगों ने दिखा रही है। तो लगातार थे लोग यही बने रहो, अब आप चला और करा अवलोकन और दिखाओ आप लोगों ने ये मंदिर को पूरा दृश्य और ले आठ कर लोगों को जानकारी के इतिहास है वो पूरा का पूरा जानकारी आप लोगों ने बताने की कोशिश कराना। धन्यवाद दर्शकों, मैं मंदिर की ऊपर की साइड आ गया। इस साइड देख पा रहे हो गैलरियाँ काफ़ी है और भीड़ है जो कि लगातार ऊपर की आप बात करें तो गैलरिया में काफ़ी भीड़ है आप नज़र आ रही है। ए गैलरिया है जो कि पूरी की पूरी खाली है। इस साइड है जो कि पूरी की पूरी भीड़ आप लोगों ने नज़र आ रही है और यात्रा ने इस साइड दिखा दिया कैमरामैन, भीड़ देख पा रहे हो, अब पूरी की पूरी भीड़ है जो कि दर्शन के लिए आ रही है। नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से आ रहे हो? अहमदाबाद। अहमदाबाद से इस मंदिर के बारे में क्या सुना है, क्या चमत्कार सुना है, क्या आस्था लेकर आए? हम इस मंदिर के अंदर हर साल आते हैं, हमको अच्छा लगता है, मंदिर बहुत बढ़िया है, सबकी शुभकामना भी होती है। इसके बारे में क्या सुना है, कुछ सुना है? नहीं, इसके बारे में चमत्कार तो सुना था लेकिन कुछ हम बोल नहीं सकते। अच्छा, बुजुर्गों द्वारा बताया जाता है ये मंदिर कितने वर्ष पुराना हो सकता है? मैं तो देखो 25 साल से आ रहा हूँ। 25 साल से? हाँ। थोड़ा सा इसके बारे में, इतिहास के बारे में पता है? मंदिर के इतिहास के? सच्चा नाम से पहचानता है मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कहाँ आ रहे हो भाई साहब? मेलना गाँव से। अच्छा, मेलना गाँव। ये मंदिर की आप इतिहास की बात करें तो क्या इतिहास है, क्या चमत्कार मंदिर पर देखने ने मिला आपने और क्या प्रकार को आस्था? मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, हम तो काफी टाइम से 10-20 साल से आ रहे हैं। हमारी कुलदेवी है। कुलदेवी है, क्या नाम है? सच्चाई माता। सच्चाई माता के आप बात करें, कितना वर्ष पुराना मंदिर है इतिहास तो ध्यान को नहीं, काफी वर्ष पुराना है। काफी वर्ष पर के आस्था लेके आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो सदा? हम तो हर साल में 4-5 बार आते हैं। अच्छा, साल में 5 बार के आस्था लेके आ रहे हो, के मन में विश्वास लेके? ऐसे परिवार में सुख शांति, बढ़िया कमाई होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, इसलिए अपना ऊपर है जगह छत्र छाए हैं आखिर हुए हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात से क्या सुना इस मंदिर के बारे में? पहली बार है, पहले भी आए हो? नहीं, पहली बार ही। पहली बार है, क्या सुना था, कोई चमत्कार सुना, क्या आस्था लेकर आए हो? नहीं, दर्शन करने के लिए आया। दर्शन करने के लिए, कैसा लगा मंदिर? अच्छा लगा। राजस्थान में कौन से मंदिर पे जाते हैं? वो पे आया ये रणुजा जाने का, रामदेवरा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। प्राचीन मंदिर, 1200 साल पुराना प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। एक यहाँ पर जानकारी है, अठ का लोग है, दुकानदार है और अठ का नज़दीकी लोग है, जगह परिचित है, जानकारी वहाँ आप लोगों ने बतावा। नमस्कार भाई साहब। राम राम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम कुशाल है। अच्छा भाई साहब, एक आप प्राचीन मंदिर की बात हो रहा, कितना वर्ष पुराना मंदिर अठ का लोग बताओ अपन? ये 1200 साल पुराना मंदिर है, प्रत्यारकालीन मंदिर है और ये अपने नागर शैली में बना हुआ है। लगभग 1200 साल पुराना है और ये ओस वालों की कुलदेवी है, साथ में ही बहुत सारे वंश की ये कुलदेवी है। पहले इस नगरी का नाम पाटन नगरी था। अच्छा, इससे शहर का गांव का नाम पाटन नगरी था। फिर क्या है कि बोलते हैं, मैंने भी सुना है कि गांव उलट पुलट हो गया, गांव के लोग यहां से छोड़कर चले गए। फिर ये माता जी का नाम सच्चाई माता जी है और ओस वालों की कुलदेवी है, फिर गांव का नाम ओसिया पड़ गया। अच्छा, उस समय ओसिया पड़ गया। अब मंदिर की बात करें, मंदिर कौन बनवायो? मंदिर वत्सराज प्रतिया। वत्सराज। अच्छा, के अट कोई चमत्कार देखने ने मिले के इतिहास की वजह? वत्सराज प्रतिया के समय में बना था, परमार शासक थे। अच्छा, कौन सा पत्थर बनेडो है? ये अपने जोधपुर का बादामी पत्थर है। भी समय को आप इतिहास, थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानकारी लेनी चाहो तो कोई बड़ो इतिहास है मंदिर के बारे में आप देखने मिले या फिर बड़ो कोई चमत्कार है जो भी समय को और आज भी मंदिर में देखने मिले? माता जी का चमत्कार परचे तो अब हर जो जिनके पुत्र वगैरह नहीं होते हैं तो उनको पुत्र भी देते हैं और ये शक्ति का परिचायक है माता जी का मंदिर भी, और माता जी खुद शक्ति का रूप ही है। तो इनके साथ ये मूर्ति भी मैंने सुना है कि भाई ये पहाड़ से निकली है अपना, यहाँ पे पहले कोई चरावा भेड़ बकरियाँ चराता था, फिर ये अपना आप ही पहाड़ी से निकल कर प्रकट हुई। वो तो बड़ो मंदिर भी समय को आज भी विश्व के विषय मौजूद आप
धीरे धीरे निर्माण कार्य भी हो रहा है और उस समय जो मेन मुख्य मंदिर है वो सबसे प्राचीन है। एक आखिरी सवाल करना चाहूँ, कौन सा मेला महीने में आठ सबसे ज्यादा भीड़ अपन देखने मिला मेलो? माता जी के दो बार नवरात्रा लगते हैं, एक तो आसो जिसको आश्विन सुदी यानी अपने शुक्ल पक्ष में 9 दिन नवरात्रा में और एक चैत्र नवरात्रा, दो साल में दो बार मेलो लगे हैं। और भीड़ कितनी भीड़ अपन देखने मिले? भीड़ बहुत सारी भीड़ रहती है नवरात्रा में, सभी लोग जिनकी कुलदेवी है वो भी आते हैं और स्थानीय लोग जो आसपास के गांवों के हैं वो भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं माता जी के। बताया जाता है पूरे भारतवर्ष का लोग है जगह आते दर्शन करने। हाँ, अब तो ये माता जी के दर्शन के साथ साथ पर्यटक स्थल भी बन गए हैं उस यहाँ, तो यहाँ पे लोग बहुत सारे घूमने के लिए भी आते हैं और माता जी के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, वीडियो क्या लगे बढ़िया लगे लाइक शेयर कमेंट करो। मिला दोस्तों इसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।